एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल डियर बाल क्लासेस बाय अनुपम सर। मैं अनुपम सर आपका अपने चैनल डियर बालाजी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। चलिए सभी से एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है, फटाफट जितने लोग देख रहे हैं प्लीज लाइक करते चलें और प्लीज सभी के पास शेयर कर दें और सभी अपने दोस्तों को बुलाएं। प्लीज आप सभी ग्रुप्स वगैरह में आप शेयर कर दिया करें, अपने मित्रों से जरूर बताया करें। अगर आप हमारा पूरा सपोर्ट करेंगे तो आपको वीडियो में मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, पूरी तैयारी लेकर आऊंगा। आज मैं एनिमल्स के एक लास्ट पॉइंट को लेकर चल रहा हूं जिसमें एक स्टेंजा और कम से कम 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेगा। पहले आप स्टेंजा को सॉल्व करेंगे, फिर 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जवाब देंगे। इसके बाद आप हमें कमेंट करेंगे कि आपका 10 में से 10 सही है या 9 में से 9 सही है, 10 में से 9 सही है, आप मुझे कमेंट करेंगे। 9/10, 8/10, जितना सही उतना आपको कमेंट करना है। चलिए वीडियो में जितने लोग भी हैं, अच्छा कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कि आते हैं फिर जाते हैं, आते हैं जाते हैं, ये लिख के जिक वाले बच्चे प्लीज हो सके तो आए भी ना क्या करें। आप अगर वीडियो को ऑन किए हैं तो पूरे वीडियो को देखें, तन्मयता से देखें, आपकी पूरी तैयारी सफल तैयारी होगी। ठीक है, कल हम आपको एक नई वीडियो लेकर आ रहे हैं जिसमें ए एन और द मतलब आर्टिकल्स के बारे में पूरी जानकारी होगी। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, उस क्लास को 9th, 10th, 11th, 12th और कोई भी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं सभी लोग देख सकते हैं, दी बेस्ट मैं दूंगा। चलिए शुरू करते हैं, ग्रामर की क्लास कल रहेगी ए एन दा की, आज मैं एनिमल्स समाप्त करता हूँ। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं, टॉपिक को देखने का प्रयास करिए। एनिमल्स, एनिमल्स किसने लिखा है? वाल्ट विटमैन ने। किसने लिखा है एनिमल्स को? जिन्होंने लिखा है उनका नाम है आपका वाल्ट विटमैन। कौन है? वाल्ट विटमैन ने एनिमल्स को लिखा है। ठीक है, आपको यहाँ तक इसकी तैयारी होगी, कोई दिक्कत नहीं है, वाल्ट विटमैन प्लीज याद कर लीजिए। चलिए हम आगे लेकर चलते हैं आपको, मुझे आशा है कि आपको हमने सेकंड थर्ड फोर्थ मुझे लगता है थर्ड तक करवा दिया, मुझे आज करवाना है तो आपको फोर्थ से करवाना है। कहाँ से लाना है? थर्ड वाला, मुझे लगता है थर्ड वाला भी मैं कल करवा दिया था। ठीक है, मुझे आशा है आपको थर्ड वाला भी मैंने कल करवा, जरा कमेंट करें सभी लोग। हाँ, थर्ड वाला मैंने करा, वेरी गुड, सभी लोगों ने कमेंट किया, जी जी। चलिए आज मैं फोर्थ से शुरू करता हूँ। ठीक है, फोर्थ नंबर स्टेंजा से शुरू करता हूँ, फोर्थ नंबर स्टेंजा देखने का प्रयास करिए। फोर्थ नंबर स्टेंजा क्या कह रहा है? So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of my life. They evince them plainly in their positions. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them, negligently drop them. यहाँ पर जो लिखा है, यहाँ पर जो लिखा है वो them लिखा है, THEM लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। मतलब कवि कहता है, so means इसलिए, they means वे, they किसके लिए यूज हुआ है? पशुओं के लिए। so means दिखाते हैं या प्रदर्शित करते हैं their relation, अपने संबंध को या अपने प्रेम को to me, मनुष्यों के प्रति या मेरे साथ। And I accept them. And means और I means मैं accept माने स्वीकार करता हूँ, them माने उन्हें। ठीक है, so means इस प्रकार या इसलिए, they means वे, वे मतलब होता है पशु, so माने प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, व्यक्त करते हैं, व्यां करते हैं, their relations अपने व्यवहार को, अपने प्रेम को, अपने संबंध को to me मेरे साथ मतलब मनुष्यों के साथ, and I accept them और मैं उन्हें क्या करता हूँ, स्वीकार करती हूँ। तो कवि कहता है कि पशु या जानवर जो हैं वो मुझसे अपने प्रेम को दर्शाते हैं, अपने तरीके से अपने प्रेम को दर्शाते हैं, एंड आई एक्सेप्ट देम और मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। और मैं उसे क्या करता हूँ? आई एक्सेप्ट देम, मैं उसे क्या कर लेता हूँ? मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे इविंस, दे मीन्स वे, ब्रिंग मी टोकन्स, टोकन्स मतलब होता है पुरस्कार, टोकन्स मतलब क्या होगा यहाँ पर? पुरस्कार या उपहार। ठीक है, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, वे मनुष्यों के प्रति प्रेम का उपहार लाते हैं, प्रेम का उपहार लाते हैं। दे इविंस, दे मीन्स वे, ब्रिंग मीन्स लाते हैं, मी मतलब मेरे प्रति, मनुष्यों के प्रति, टोकन्स मतलब उपहार, आप माई सेल्फ स्वयं, वे स्वयं मनुष्यों के प्रति प्रेम का उपहार लाते हैं। किसका उपहार लाते हैं? प्रेम का उपहार लाते हैं। दे इविंस, इविंस मतलब होता है दिखाना, स्पष्ट करना, क्लियर करना। दे इविंस देम प्लेनली इन दियर पोजिशंस, कवि कहता है पशु साधारण रूप से अपने गुण को
पोजीशन मतलब अपने गुण को, अपनी स्थिति को प्लेनली साधारण रूप से, ठीक है। दे मीन्स वे, इवेंस मतलब दिखाते हैं, दे माने हमें, प्लेनली साधारण रूप से, इन दियर पोजीशंस अपनी स्थिति को, वे अपनी स्थिति को साधारण रूप से क्या करते हैं, दिखाते हैं। आई वंडर, आई मीन्स मैं वंडर आश्चर्यचकित हूँ, वेयर दे गेट दोज टोकेंस कि वे ये पुरस्कार कहाँ से लाते हैं या कहाँ से पाते हैं। वेर माने कहाँ से, दे गेट वे पाते हैं, दोज टोकेंस इन उपहारों को, इन प्रेम के उपहारों को कहाँ से पाते हैं, मैं बहुत आश्चर्यचकित हूँ। डिड आई पास द वे ह्यूज टाइम्स एगो द एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप थिम, ठीक है। मनुष्यों ने, वह कहता है, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स एगो, बहुत समय पहले जब मैं वहाँ से गुजरा, डिड आई पास जब मैं द ह्यूज टाइम्स एगो, जब मैं बहुत समय पहले वहाँ से गुजरा, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप, तो वे वहाँ से, उनके उपहार, नेग्लिजेंटली ड्रॉप दे, उनके उपहार वहीं पर क्या हो गए, गिर गए। मतलब कवि कहना चाहता है कि मनुष्यों ने मानवता का गुण खो दिया है और वो गुण अभी पशुओं में है, अभी वो गुण क्या है, पशुओं में है। मुझे आशा है अर्थ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जितने लोग देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कर दें, सभी लोग लाइक कर दें। और हाँ, अभी और मित्र दोस्त जो आपके जो बचे हुए हैं, 12-13 लोग देख रहे हैं, प्लीज़ सभी लोग फटाफट एक बार लाइक कर दें। देखने वाली संख्या ज़्यादा होती है, लाइक करने वाली संख्या कम होती है। प्लीज़ अगर और कोई भी दोस्त हो तो उन्हें शेयर करके बुलाएं, ठीक है, प्लीज़ सपोर्ट करें। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, आगे की तरफ। एनी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्या दिया है, डू द एनिमल्स शो देयर रिलेशन टू द पोएट, आपसे क्वेश्चन किया है, क्या जानवर अपना संबंध कवि से दिखाता है। डू द एनिमल्स शो दियर रिलेशन, डू मीन्स क्या, द एनिमल्स मतलब जानवर, शो मीन्स दिखाते हैं, दियर रिलेशन अपने संबंध को टू द पोएट, कवि को, क्या जानवर अपने संबंध को, अपने संबंधों को कवि से दिखाते हैं, तो आपको इसका जवाब देना है, ठीक है। चलिए हम टाइमर ऑन करता हूँ, जरा फटाफट सभी लोग प्लीज आंसर करें, टाइमर ऑन। वेरी नाइस, सुपर, कई लोगों ने यहां पर जवाब दिया है और यस लिख के भेजा है, वेरी राइट जवाब, आपका जवाब बहुत ही अच्छा था, उंदा था। बसरते आपको केवल इतना मैं बताना चाहता हूं, आपको पेपर में कैसे जवाब देना है। यस तो 100% सही है, चलिए मैं आपको बता देता हूं, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहां पे क्या लिखा है, यहां पर यस एनिमल्स शो दियर रिलेशन टू द पोएट, हाँ यस तो लिखा आपने, एनिमल्स शो दियर रिलेशन टू द पोएट, एनिमल्स शोज मीन्स दिखाते हैं, दियर रिलेशन टू पोएट, अपने प्रेम को कवि के प्रति। तो मुझे आशा है इस पहले क्वेश्चन का आंसर आपको वेरी बेस्ट आया होगा और बहुत अच्छा लगा, लगा तो प्लीज़ एक कमेंट करें, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें। चलिए वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। टेंथ वाले बहुत गजब का सपोर्ट देते, प्लीज़ ऐसे सपोर्ट आप देते रहिए। प्लीज़ एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपके पास कोई मोबाइल्स बची रह गई हो, कोई आईडी वगैरह हो, तो प्लीज़ उससे भी सब्सक्राइब कर दें। आप 12-13 लोग देख रहे हैं, अगर एक बच्चा 5 सब्सक्राइब करे तो 12-25-60 मेरे सब्सक्राइबर अभी कम से कम एक घंटे के बाद कम से कम 50-60 बढ़ सकते हैं। प्लीज़ आप इतना कर दें, क्योंकि एक वीडियोस बनाने में बहुत समय लगता, बहुत मेहनत लगता है, बहुत इसमें वर्क करना पड़ता, बहुत लिखना पड़ता। प्लीज़ हमारी बात को समझें, प्लीज़ जितने भी मोबाइल्स हों प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, सभी लोग अपने मित्र मित्र दोस्त यार के मोबाइल में प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। प्लीज़ आप सपोर्ट करें, ठीक है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उससे। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या लिखा है, Who show the tokens of humanity? Who means कौन, so means दिखाता है, the tokens मतलब होता उपहार या संबंध, of humanity मानवता के, मानव के प्रति, मानव के प्रति कौन अपने संबंध को दिखाता है, ठीक है ना, मानव के प्रति कौन दिखाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बताना है कि मानवता का प्रतीक कौन दिखाता है, ठीक है। तो आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है, प्लीज जवाब दीजिए, मैं आपका टाइमर ऑन कर देता हूँ। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, कई लोगों ने जवाब में सिंपल शब्दों में लिखकर भेज दिया है, एनिमल्स, वेरी नाइस, ठीक है, बहुत अच्छा है आपने जो जवाब दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा है, एनिमल्स लिखा है। बसरते आपको करना क्या है, पेपर वाले में इसी हु को काट करके फेंक दीजिएगा, एनिमल्स और बाकी सब कुछ नोट करके, और यहाँ पर प्लीज़ 1 मिनट एनिमल्स लिखने के बाद ये हु काट करके हु के स्थान पे एनिमल्स
और सब कुछ ऐसे लिख करके क्वेश्चन मार्क को हटा दीजिएगा, 100% राइट आंसर आपको नंबर बहुत गजब का उठेगा। चलिए आगे चलते हैं, प्लीज आया, पसंद आया, ठीक है। तो इसका हु काट देना है, एनिमल्स सो द टोकन्स ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, सीधा सा सिंपल में अर्थ मैंने क्वेश्चन का आंसर मैंने लिखा है, एनिमल्स सो टोकन्स ऑफ ह्यूमैनिटी। तो मुझे आशा है सेकंड क्वेश्चन सबको अच्छा लगा। प्लीज सभी लोग एक बार थंब का निशान भेजें, ठीक है, जो लाइक का निशान होता है उसको भेजें, ठीक है। सभी लोग लाइक का निशान भेजें हमारे पास, ठीक है, लाइक का निशान भेजिए प्लीज। चलिए चलिए आगे चलते हैं, प्लीज सभी लोग फटाफट। चलिए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आ गए, हु आर दे इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा। हु मीन्स कौन, आर मीन्स है, दे मतलब, दे मतलब इस पंक्ति में दे लिखा है, इन द फर्स्ट लाइन पहली पंक्ति में ऑफ द स्टेंजा, ठीक है ना। पद की, स्टेंजा मतलब पद, पद की प्रथम लाइन में दे शब्द किसके लिए यूज किया गया, अर्थात ये दे कौन है, ठीक है। तो आपको इसका जवाब देना है सभी को, मैं टाइमर देता हूं, चलिए टाइमर ऑन कर देता हूं, सभी फटाफट जवाब करिए, टाइमर ऑन। वेरी नाइस, कई लोगों ने जवाब जो दिया है वो डायरेक्ट लिख करके हमारे पास दे दिया है, एनिमल्स, ठीक है, यहाँ पर क्या दे दिया है, एनिमल्स, वेरी गुड। आप पेपर्स में हैं, हू को काट करके एनिमल्स लगा दीजिए, आर दे, एनिमल्स आर दे इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द स्टेंजा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं लिखना चाहते तो आपको एक और सटीक आंसर दे दे रहा हूँ, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। दे रिफर्स टू एनिमल्स, दे रिफर्स टू, वे यहाँ पर जानवरों के लिए, दे, ठीक है, रिफर्स यूज किया गया टू एनिमल्स, किसके लिए, जानवरों के लिए। तो मुझे आशा है आपको ये वाले भी क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ क्या कहा गया है, आगे की तरफ क्वेश्चन नंबर चार दिया गया है, ह्यूमन बींग्स हैव लॉस्ट द डॉट डॉट कहके छोड़ दिया गया यहाँ पर, ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। तो आप जरा मुझे कमेंट करिए कि ह्यूमन बींग्स हैव लॉस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी, मतलब मनुष्य ने मानवता के कौन से गुण को खो दिया है, नीड्स को खो दिया है, नीड्स मतलब जरूरतें, हैबिट्स मतलब होता है आदतें, क्वालिटीज मतलब होता है गुण, और डिसएबिलिटी मतलब होता है अयोग्यता, ठीक है। तो आपके पास टाइम रहेगा 10 सेकंड का, मैं टाइमर ऑन करूंगा, इसके बाद आप लोग सभी लोग फटाफट जवाब करेंगे। कुछ बच्चे तुम्हारे पास ऐसे हैं जो कि क्वेश्चन का टाइमर ऑन करने के पहले ही आंसर दे देते हैं, गजब की तैयारी, आपकी मेहनत को मैं बहुत बहुत सलाम करता हूँ। प्लीज़ आप डेली ऐसे तैयार किया करें और मेरे सपोर्ट किया करें, ईश्वर आपका सपोर्ट करेगा। चलिए आगे देखते हैं, हम टाइमर ऑन कर देते हैं। वेरी नाइस, कई लोगों ने जवाब दे दिया है और वो लिख करके भेज दिए, सर यहां पर क्वालिटी होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, उन्होंने लिख करके भेजा है कि सर यहां पर जो होगा वो आंसर में जो आएगा वो आएगा क्वालिटी जाएगा, वो क्या आएगा, क्वालिटी जाएगा, मतलब 100% राइट आंसर जो यहां पर है वो गुड़ है, वो क्या है, गुड़ है। तो आपका 100% राइट आंसर यहाँ पर क्वालिटीज हो गया, ठीक है, मतलब मनुष्य ने क्या किया है, मनुष्य ने गुण को खो दिया है, मनुष्य ने क्या किया है, गुण को खो दिया है। तो चार का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो जरा सभी लोग फटाफट प्लीज कमेंट करें, आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया, मजा आया, सभी लोग प्लीज एक बार लाइक कर दें जितने भी लोग देख रहे हैं, और प्लीज फटाफट अपने ग्रुप में शेयर कर दें। चलिए ठीक है, वेरी नाइस, वेरी गुड, सभी को धन्यवाद, बहुत अच्छा जवाब आप देते हैं, गजब का जवाब रहता आपके पास, जी जी, चलिए वेरी नाइस, बहुत अच्छा, सुपर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड नाइट, सभी को गुड नाइट, सभी जितने भी लड़के लड़कियां हैं सभी लोग को गुड नाइट टू ऑल। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।